कलेक्शंस ऑफ फैब्रिक। सो एवरीवन, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा कलेक्शंस ऑफ फैब्रिक का होने वाला है। आज हम देखेंगे बहुत से टाइप्स के फैब्रिक एंड उनके नाम, कि कौन से फैब्रिक का क्या नाम है। हम मैंने कुछ सैंपल्स रेडी किए हैं, या आप कह सकते हैं मैंने स्वेचेस या कलेक्शंस रेडी किए हैं फैब्रिक की बहुत सारी। तो आज हम उन सभी फैब्रिक की शीट्स देखने वाले हैं, कि हमारा फैशन डिज़ाइनिंग में टॉपिक होता है कलेक्शंस ऑफ फैब्रिक, तो वो किस तरीके से रेडी किया जाता है और उसमें आप कौन कौन सी कलेक्शंस दिखा सकते हैं, कितने टाइप्स की कलेक्शंस दिखा सकते हैं, कौन फैब्रिक्स के नाम क्या क्या हैं, आज हम वही सब देखने वाले हैं। तो हमारा ये जो फैब्रिक है ये है कैम्ब्रिक कॉटन। आप इसको फील कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये लाइका एक कॉटन है, कैम्ब्रिक कॉटन है। कैम्ब्रिक कॉटन किस तरीके का हो सकता है और उसकी शीट आप किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फैब्रिक का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका आपको प्राइस लिखना है एंड उसका विड्थ लिखना है कि उसका विड्थ कितना हो सकता है, कितना होता है। ये हमारा कॉटन है, शिमर कॉटन है, ये हमारा शिमर की तरह भी होता है। ये हमारा इसमें रुपीज लिखे हैं एंड इसका विड्थ लिखा है। जब हमने परचेज किया था तो कुछ क्लोथ्स होते हैं जो 44 विड्थ के होते हैं, कुछ होते हैं 40 के और कुछ होते हैं 42 के। मोस्टली क्लोथ्स इतने ही विड्थ के होते हैं, मीन्स अरज के होते हैं। बहुत से लोग अरज बोलते हैं, कितने अरज का है। ये हमारा कॉटन है, प्योर कॉटन है, इस पे थोड़ा सा ये वह काम है। ये कपड़ा हमारा 2x2 रूबिया है, इस कपड़े का नाम है 2x2 रूबिया। आप देख सकते हैं ये ना ही कॉटन है ना ही सिल्क है। ये आपको मार्केट में अराउंड 100 रुपीज मीटर मिल जाता है। ये हमारा है 2x2 रूबिया। इन स्वेचेस से आपको बहुत हेल्प होगी अपनी फाइल बनाने में, या जिन लोगों को फैब्रिक की नॉलेज नहीं है, काम तो आता है बट फैब्रिक का नहीं पता चलता, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये है हमारा चंदेरी, आप देख सकते हैं ये है हमारा चंदेरी और ये आपको 100 रुपीज पर मीटर इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये है हमारा पॉलिएस्टर, ये मोस्टली लाइनिंग में भी यूज होता है, जो शिफॉन के सूट्स होते हैं या बहुत ही पतले सूट होते हैं उनमें लाइनिंग के लिए भी यूज होता है, या कई सूट्स में ये सलवार में भी काम आता है, सलवार के लिए भी दिया जाता है। इस कपड़े को बोलते हैं पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर होता है हमारा मार्केट में, ये इजीली आपको 80 रुपीज पर मीटर मिल जाता है और इसका विड्थ या अरज 40-44 अराउंड इजीली मिल जाता है। ये है हमारा नेट, नेट आपकी कई तरीके की होती है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल नेट नहीं रखी है क्योंकि नॉर्मल नेट्स के बारे में सबको पता होता है और इस तरीके की नेट बहुत कम लोगों ने देखी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलेक्शन रखा है और इसमें ये जो हमने यूज़ किया है ये कपड़ा नेट है। ये आपको इजीली 80 रुपीज पर मीटर मार्केट में मिल जाता है। ये है हमारा टेरिकॉट, टेरिकॉट कपड़ा एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे आप पेटीकोट में भी यूज़ कर सकते हैं, सलवार में भी यूज़ कर सकते हैं और लाइक ये इस तरीके का प्रिंटेड थोड़ा टेरिकॉट है, तो आप इसको लेस वेस लगा कर कोई डिज़ाइनिंग देकर कुर्ती भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल भी चुभने वाला टेरिकॉट नहीं है। यह आपको इजीली मार्केट में 100 रुपीज पर मीटर मिल सकता है। ये है हमारा चंदेरी, चंदेरी कपड़ा बहुत तरीके का होता है, प्लेन भी होता है, डिजाइनिंग में भी होता है, तो आप मार्केट में सर्वे करके घूमकर देखकर देख सकते हैं दुकानों पर जाकर, शॉप्स पे जाकर, कि चंदेरी में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं, किस तरीके के डिज़ाइंस होते हैं। यहाँ पर मैंने भी कुछ डिफरेंट डिज़ाइन रखा है चंदेरी में और ये आपको इजीली मार्केट में 180 पर मीटर मिल सकता है। एक ये भी चंदेरी है, इसमें कुछ ये आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि मोस्टली लोग ये वाला इस तरीके का चंदेरी यूज़ करते हैं अपने सूट्स में, दुपट्टे में,
तो ये भी आपको 120 पर मीटर मिल जाता है मार्केट में। ये है हमारा प्रिंटेड कॉटन। प्रिंटेड कॉटन में क्या है, हमारे पास कॉटन का कपड़ा है और उसके ऊपर कुछ प्रिंट्स हैं। तो ये हमारा हुआ प्रिंटेड कॉटन, और ये भी इजीली मार्केट में 60 रुपीज़ पर मीटर मिल जाता है। ये हमारा है ल्यूरेक्स शिफॉन। शिफॉन कपड़ा बहुत तरीके का होता है, ये एक डिफरेंट पीस है, आप देख सकते हैं। ये है ल्यूरेक्स शिफॉन, ये भी इजीली आपको 100 रुपीज़ पर मीटर मार्केट में मिल जाता है। ये हमारा प्रिंटेड कॉटन। कॉटन बहुत तरीके का होता है, ये मैंने प्रिंटेड कॉटन लिया है कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए, कि कॉटन तो बहुत से कपड़े होते हैं, मोस्टली कपड़े लोग कॉटन के पहनते हैं, सूट्स कॉटन के पहनते हैं। ये थोड़ा प्रिंटेड कॉटन है, इसको लाइक आप एक ड्रेस या कोट सेट, गाउन, अनारकली, स्कर्ट कुछ भी बना सकते हैं इस तरीके के कपड़े का, वो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है और ये आपको इजीली 120 पर मीटर मार्केट में मिल जाता है। ये है हमारा सिंथेटिक कॉटन, वो हमारा प्रिंटेड कॉटन था, ये है हमारा सिंथेटिक कॉटन। आई होप आपको कॉटन की भी बहुत सी वैरायटी इसमें वीडियो में देखने को मिली होंगी, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कॉटन भी इतने टाइप्स का होता है, तो वो लोग भी अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप कॉटन के कपड़े का डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ में लेकर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सिंथेटिक कॉटन है, इसमें थोड़ा सा शाइनिंग है और थोड़ा सा इसमें प्रिंट है सेम ही कलर में, और इसका लुक अगर आप शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं या बच्चे की फ्रॉक बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है, और ये भी आपको 60 रुपीज़ पर मीटर मार्केट में मिल जाता है। ये है हमारा ऑर्गेंजा। ऑर्गेंजा, ऑर्गेंजा कपड़ा के बारे में सबको पता होगा क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है ऑर्गेंजा। ऑर्गेंजा में फ्रॉक्स आ रही हैं, सूट्स आ रहे हैं, गाउन आ रहे हैं, बहुत से लोग इस ऑर्गेंजा कपड़े को यूज़ कर रहे हैं, बट ऑर्गेंजा कपड़ा भी बहुत सी क्वालिटीज़ में आता है। ये मैंने एक डिफरेंट बिल्कुल ही सिंपल फ्लावर प्रिंट में ऑर्गेंजा यूज़ किया है, क्योंकि डिज़ाइनिंग ऑर्गेंजा तो मार्केट में बहुत मिल जाते हैं बट ऐसा सिंपल सोबर प्रिंटेड मार्केट में कम मिल पाता है, तो ये भी मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर मिला था और ये मुझे 180 पर मीटर मिला था, तो इस रेट में ये वाला ऑर्गेंजा इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये है हमारा कॉटन, इसमें थोड़ा थोड़ा सा बुटी का वर्क है, इसको आप पैंट में भी यूज़ कर सकते हैं, शर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, कुर्ती भी बना सकते हैं, तो ये हमारा है कॉटन और ये आपको मार्केट में 80 रुपीज़ पर मीटर इजीली मिल जाता है। ये भी हमारा एक कॉटन है, ये हमारा 100 रुपीज़ पर मीटर मार्केट में इजीली मिल जाता है। मैंने इसमें बहुत ही कॉस्टली कपड़े यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कपड़ा खरीदते टाइम ये देखते हैं कि हमारा कितना रीज़नेबल होना चाहिए, और एक फैशन डिज़ाइनर के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि उसको कपड़े पर इन्वेस्टमेंट कम करना होता है, लेकिन उस कपड़े को लेकर अपना डिज़ाइन इस अकॉर्डिंग बनाना होता है कि आपका कपड़ा तो सस्ता हो लेकिन आपके जो डिज़ाइनिंग ड्रेस है वो कपड़े के अकॉर्डिंग 50 to 100% एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट हो जाए, एक्स्ट्रा उसकी उसका प्राइस हो जाए। आपका डिज़ाइन उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको उसको कपड़े को यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरीके से उसको आप सस्ता लेकर महंगा बना सकते हैं। एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर की पहचान यही होती है कि वो एक सस्ते कपड़े को लेकर महंगा किस तरीके से बना सकता है, उसकी डिज़ाइनिंग पर डिपेंड करता है कैसे वो एक कपड़े को डिज़ाइनर कपड़े में कन्वर्ट कर देता है। यह भी हमारा एक कॉटन है और ये भी आपको इजीली 100 रुपीज़ पर मीटर मार्केट में मिल जाता है। ये भी एक तरह का कॉटन है, ये आपको इजीली 60 रुपीज़ पर मीटर मिल जाता है। तो आपने इस वीडियो में देखा बहुत से फैब्रिक की वैरायटीज़ देखी, मैं आगे बहुत सी और कलेक्शन लेके आने वाली हूँ, बहुत सी और कलेक्शंस आपको दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ कि कपड़ों की और कौन कौन से फैब्रिक्स होते हैं, और आप जब मार्केट में रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे
और किस तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं फिर से एक वीडियो और लेकर आऊँगी और उस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूँगी। सो एवरीवन, जो भी मेरे इस चैनल पर नया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे साथ लर्निंग करते रहें और मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर करते रहें। आई होप कि आपकी लर्निंग मेरे साथ बहुत अच्छी हो रही है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरी दी हुई नॉलेज पसंद आ रही है। सो एवरीवन, बढ़ते रहें, सीखते रहें, ग्रो करते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।